What's up beautiful people, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज मैं बनाऊंगा बहुत ही हेल्पफुल वीडियो. रिसेंटली हमारे चैनल पे किसी ने कमेंट किया था, मिस्टर परम का नाम मुझे याद है. मिस्टर परम ने कमेंट किया था कि रजत भाई कुछ ऐसी वीडियो बनाएं कि साइबर सिक्योरिटी में जाने का कैसे एंट्री करें, कैसे जाएं, कुछ हेल्पफुल वीडियो बनाओ उस बारे में. फिर मैंने याद आया कि यार इस बारे में ना काफ़ी लोगों ने हमसे कॉमेंट्स में बोला हुआ है कि यार सर कैसे चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो बस वही सब कवर करूँगा मैं इस वीडियो में. और आपको दिखाऊँगा मेरी बरसों की मेहनत, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, इतनी सारी बुक्स जो मेरे इस समय ऑफिस में बैठा हूँ अपने, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, यूट्यूब का बटन भी मैंने ऑफिस में लगाया हुआ है. तो चलो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो और डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है. तो सबसे पहले तो हम लेते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है. क्या है साइबर सिक्योरिटी, बहुत ही क्विकली बताऊंगा मैं आपको. ज़्यादा डेफिनेशन चाहिए तो सब गूगल पर देख लेना. साइबर सिक्योरिटी होता है बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें को सिक्योर करना, कंप्यूटर से रिलेटेड हेल्प यूज़ करके सिक्योर करना. इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं भी जा रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है तो दैट्स फिजिकल सिक्योरिटी. हम डील करते हैं कंप्यूटर यूज़ करके, कंप्यूटर से रिलेटेड और जो भी ऑनलाइन वर्ल्ड है उन सबको हम सिक्योर करते हैं, तो वो होता है साइबर सिक्योरिटी का काम. और बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है हैकर्स, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट आते हैं, जिनसे हम सिक्योर करते हैं. अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने डिवाइसेस, अपना नेटवर्क, अपने सर्वर्स एंड ऑल, तो आप हैकर्स को बिल्कुल ही आप अटैक करने का मौका दे रहे हैं. तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी. अब साइबर सिक्योरिटी में क्यों जाना चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस फील्ड की मार्केट में, चाहे US हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, और इनफैक्ट चाहे कोई भी फील्ड हो कंपनी का, मेडिकल फील्ड हो, फाइनेंशियल फील्ड हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट की फील्ड हो, कंपनी हो, जिस मर्जी कंपनी में ले लो गाइस, साइबर सिक्योरिटी यूज़ होती ही होती है. क्योंकि हर कंपनी को सिक्योरिटी करनी होती है अपनी कंपनी की, तब चाहे वो कोई भी फील्ड की कंपनी हो, मेडिकल हो, चाहे कोई भी हो, साइबर सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, राइट. और वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लोग बहुत कम हैं. ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. और आई नो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है लोगों की जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअल में करते हैं, इसलिए बहुत डिमांड में है फील्ड. तो ऑब्वियसली जाना चाहिए, पर क्या कोई भी जा सकता है क्या? जा तो कोई भी सकता है, आपको बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए. बट आपका इंटरेस्ट होना, मैं तो यही मानता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो ही आपको परसू करना चाहिए. मेरा बचपन से कंप्यूटर्स जब से यूज़ करना सीखा है तब से कंप्यूटर्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है. तो मैं कंप्यूटर्स से रिलेटेड शुरू से मैं वायरस वगैरह कुछ भी वगैरह ऐसी चीज़ों से मैं खेलता रहता हूँ शुरू से ही, तो मेरा तो बहुत मन था. तो फाइनली मैंने 8 साल मैंने एक कंपनी में लगाए थे, इन्फोसिस में, अगर आपको पता हो तो. इन्फोसिस में मैंने 8 साल लगाए थे, वहाँ पे मैंने कुछ बेकार काम किया, यूज़लेस काम किया मैंने. फिर मैंने 8 साल के बाद जाके मैंने करियर चेंज किया बिल्कुल. मैं शुरू से IT में था, बाय द वे, ऐसा नहीं कि मैं IT में एंटर किया हूँ, मैं IT में ही था, पर IT में दूसरी लाइन में काम करता था मैं. फिर मैं 8 साल के बाद जाके मैंने ज़ीरो से शुरू किया है सिक्योरिटी का काम. तो दैट वॉज इन 2016 जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअल में सिक्योरिटी में काम करना शुरू किया. तो मेरी जर्नी भी बताता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी, और मैं आप डिस्कस करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी में काम करने के लिए, चाहे US में हो, चाहे बाहर इंडिया में हो, चाहे कहीं और भी हो, तो कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो ही डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको अपनी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या इसे, मैं पीछे मैंने बुक्स निकाल के रखी हुई है मेरी, नोटबुक्स एंड ऑल. तो गाइस सबसे पहले तो ये है मेरा ऑफिस का सेटअप. ये मेरा आप देख सकते हो एक एल शेप डेस्क है जो मैंने लगा रखा है, साथ में प्रिंटर भी रखा हुआ है और विंडो के पास ही है, तो हम बाहर भी देखते रहते हैं जब मौसम अच्छा हो, वरना विंडो लाइट है, नॉर्मल नेचुरल लाइट है. और एक यूट्यूब का अपना बटन भी लगा रखा है. तो ऑब्वियसली ये बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह छोड़ के, ये मेरा डुअल मॉनिटर और साथ में लैपटॉप रखा हुआ है, और मेरा जो पर्सनल लैपटॉप होता है मैं यहीं पे बैठ के उसके साथ काम करता हूँ. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या क्या स्टडी मटेरियल जो मैंने पिछले 6 साल में मैंने पढ़ा है आज तक. तो गाइस सबसे पहली जो मैंने शुरुआत करी थी सिक्योरिटी लाइन में, वो ऑब्वियसली छोटे से शुरू करते हैं, राइट. तो सबसे पहली ईजीएस्ट या फिर बोलते हैं बेसिक नॉलेज थी सिक्योरिटी प्लस. तो कॉम्प्टिया सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन का ये जो कंपनी है उसका नाम है, सिक्योरिटी प्लस से शुरू करी थी. सिक्योरिटी प्लस मैं भी सारा डिटेल बताऊंगा आपको, अभी मैं बस मेरी जर्नी बता रहा हूँ. सिक्योरिटी प्लस से शुरू करी थी और ये ठीक ठाक बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है. तो या इसको थोड़ा पढ़ के मैंने सर्टिफिकेशन दी थी, आई एम सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड. उसके बाद मैं गया था इसके ऊपर वाली सर्टिफिकेशन में, विच इज़ इसको बताता हूँ, ये वाली
CEH वर्जन 9, उस टाइम पे वर्जन 9 थी, अभी वर्जन 10 चल रही है आई थिंक. और CEH मैंने पढ़ा, इट्स कॉल्ड सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 9, और नीचे ही इसका प्रैक्टिस टेस्ट. तो ये वाली मैंने करी थी आई थिंक, याद नहीं आ रहा, 2015 में करी थी शायद, और ये वाली मैंने करी थी 2017 में. और इसका थोड़ा डिसेंट साइज़ है, आई मीन नॉट टू मच, नॉट टू बैड, तो आराम से हो जाती है. बट ऑब्वियसली ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल में आप एथिकल हैकिंग के, सॉरी, आप हैकर्स के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी सीखते हो, तो एथिकल हैकिंग की नॉलेज चाहिए. तो ये बुक आपको वो देगी, और इसी का मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला. तो इसके बाद तो मैं सिक्योरिटी CEH की मैंने सर्टिफिकेशन क्लियर कर ली थी. उसके बाद आता है थोड़ा सा हैंड्स ऑन, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज होती है थ्योरी वाली, राइट. अब था थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, तो वो मैंने, आप ये देख सकते हो, ये वाली मैंने एथिकल हैकिंग सीखी थी मैंने. एक्चुअली ये मेरी सारी नोट्स हैं, ये जब मैं एथिकल हैकिंग एक्चुअल में करता था वर्चुअल बॉक्सेस बना के कंप्यूटर पे, तो आप देख सकते हो ये मैंने सारा करता था. आप देखो वायरलेस सिक्योरिटी, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाना गाइस, बट. और एप्पल का लोगो, मैं एप्पल में इंटरव्यू में गया हूँ, तब मुझे मिला था. आपको याद होगा अगर मैंने बता रखा है, मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज दे रखे हैं, ऑब्वियसली सारे फेल हुए हैं, तभी 100 तक पहुँचा था मैं. बट ये मेरा एथिकल हैकिंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का नोटबुक है, ये वाली. इसके बाद जब CEH क्लियर हो गया था 2020 में, मैंने नेक्स्ट सर्टिफिकेशन विच इज़ CISSP. दिस इज़ द बेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी गाइज. तो ये होता है CISSP वो बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल. तो ये मैंने कब करी थी, 2020 में करी थी, जब बड़ी आ गया था घर पे. उसके बाद ये बहुत ही मोटी बुक है गाइस, आप देख सकते हो इसका साइज़. इसको तो प्रिपेयर करने में मुझे, मैंने बहुत आराम से अबाउट 20-20 पेजेस एवरी डे पढ़ता था मैं, मुझे साल भर लग गया था पढ़ने में. फिर इसके बाद मैंने इसका प्रैक्टिस टेस्ट भी लिया था, ये था साइबैक्स कंपनी बुक का नाम है, और ये शॉन एंड हैरिस बहुत फेमस है इनकी, मैग्रॉहिल की, शॉन हैरिस. तो ये दो बुक्स मैंने यूज़ करके CISSP पढ़ी थी, और CISSP का मेरा नोट्स हैं इसके अंदर. तो आप देखेंगे कि CISSP के सारे नोट्स यहाँ से शुरू होते हैं. तो ये बहुत डीप है गाइस, ये बहुत डीप है. तो ये तो मैंने काइंड ऑफ एवरी डे पढ़ता था मैं, और ये मैंने पूरी बुक उसी को पढ़ने में निकाल दी थी. तो कहते हैं कि CEH और CISSP में ये फ़र्क होता है कि CISSP इज़ अ माइल वाइड बट इंच डीप. एक माइल वाइड होती है बट एक इंच डीप होती है, मतलब इसमें इतना कोर्स है. बट CEH में उल्टा कहते हैं, CEH में कहते हैं कि वो एक इंच वाइड होती है बट वन माइल डीप होती है, मतलब ये इतना डीप में पूछते हैं क्वेश्चंस. तो सबसे पहले से किसी सर्टिफिकेशन थी मेरी सिक्योरिटी प्लस, फिर थी CEH, फिर थी 2020 में CISSP. आई एम CISSP सर्टिफाइड नाउ. और अब मैं आया हूँ नेक्स्ट वन पे, विच इज़ CISM. इट्स कॉल्ड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर. अब मैं ये वाली पढ़ रहा हूँ, और इतनी ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये भी ज़्यादा बुरी नहीं है, आई मीन थोड़ी सी मोटी है बस. इसका एक चैप्टर बचा है, तो होपफुली ये भी जल्दी क्लियर कर लेंगे. और बीच में एक है ये लिनक्स वगैरह की, मैंने थोड़ी सी कोडिंग सीखना चाही थी, तो थोड़ी बहुत मैंने वो भी सीखी थी. इसके अलावा गाइस, होप आप बोर ना हो रहे हो, आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू. मैंने काली लिनक्स सीखा हुआ है, जो कि एक पेनिट्रेशन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉक्स होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है. उसके साथ साथ ये कुछ बुक्स हैं जो मैं नहीं पढ़ पाया पर मेरे पास थी. द हैकर प्ले बुक गाइज, इसका ऑथर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इसका ऑथर है पीटर किम. मैंने इसको भी इंटरव्यू दे रखा अपना इस बंदे ने मेरा इंटरव्यू ले रखा एक्चुअल में. बट ये बुक नहीं पढ़ पाया मैं. एक है ब्लैक हैट पाइथन और एक है इफेक्टिव पाइथन, ये भी नहीं पढ़ पाया मैं. ओके गाइज, अब आपने ये सब तो देख लिया कि मैंने क्या क्या किया हुआ है. उसी ऑर्डर में अगर आप US में चाहे इंडिया में सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको भी छोटे से शुरू करना पड़ेगा. मैं ये बोलूँगा कि आपको बेसिक IT की नॉलेज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, आई मीन बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत अगर आपको IT की नॉलेज है, एज इन लाइक कि सर्वर कैसे काम करते हैं, लाइक TCP OSI मॉडल जो होता है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, अगर आप करने को तैयार हैं तो इन सारे बुक्स के थ्रू सब हो जाएगा. सबसे पहले शुरू करें सिक्योरिटी प्लस से. जैसे कि मैंने बोला, बेसिक एक सर्टिफिकेशन है, आपको बेसिक नॉलेज सिखा देगी काफ़ी चीज़ों की. उसको क्लियर करें सर्टिफिकेशन को. उसके बाद आप CEH पढ़ सकते हैं. मैंने CSA प्लस भी पढ़ी है,
पर मैंने उसका सर्टिफिकेशन नहीं दिया क्योंकि आई डोंट थिंक वो इतनी वर्थ इट, पर मैंने पढ़ रखी है। तो और इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे यूडमी है, यूडमी पे काफ़ी कोर्सेज हैं, मैंने वो भी बहुत सारे कोर्सेज ले रखे हैं। तो बस बेसिकली आपको पढ़ना है, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बस नॉलेज बढ़ाते रहे आप। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप नॉलेज नहीं होगी आपको तो आपको कोई हायर भी नहीं करेगा, राइट। तो 100 से ज़्यादा इंटरव्यू देने पड़ जाएंगे आपको भी मेरी तरह। फिर CEH ट्राई करें, CEH के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्किल भी चाहिए होंगे, जो कि थोड़े से आप वर्चुअल सिस्टम बनाएं अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, Kali Linux इंस्टॉल करें, आपको सब मिल जाएगा ऑनलाइन, वरना किसी कोर्स आप ले लें यूडमी से कि आपको एक्चुअल में सिखाए कि यू नो कैसे करते हैं ऐसे सिस्टम, वर्चुअल बॉक्सेस बनाना मिल जाते हैं, सब इजीली मिल जाते हैं। तो उसके थ्रू आप थोड़ा सा क्रैक करना सीखें कैसे करते हैं। फिर इस CISSB भी पढ़ें, CISM चाहे आप छोड़ सकते हैं, CISM अभी बात की बात है बहुत। तो ये अगर ये तीन सर्टिफिकेशन इस ऑर्डर में ही पढ़ेंगे आप तो आपको भी नॉलेज अच्छी आ जाएगी। और गाइस बेसिकली नॉलेज ही चाहिए आपको। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है जिसको AppSec बोलते हैं। अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो कोडिंग आपको आनी चाहिए। मुझे कोडिंग इतनी नहीं आती है, मुझे बेसिक आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ कोडिंग को, मैं इतना डीप नहीं कर सकता कोडिंग क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं आती, जैसे पाइथन है, पाइथन या फिर जावा वगैरह, अगर आपको नहीं आती तो आप AppSec में नहीं जा पाएंगे। तो मैं AppSec में हूँ भी नहीं, मैं नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करता हूँ, मैं पूरी कंपनी के मैं रिस्क मैनेजमेंट में काम करता हूँ, मैं काफ़ी मैं पेनिट्रेशन टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह में, ऑडिट वगैरह में काम करता हूँ, तो वो सारा मेरा प्रोफाइल है। AppSec मेरा प्रोफाइल नहीं है क्योंकि मुझे AppSec के लिए कोडिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये थी मेरी स्टोरी और थोड़ी बहुत हेल्पफुल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था कि सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, कैसे किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। गाइस ये वाली वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे आपको आई थिंक दो पॉइंट्स और लेना चाहूँगा कि इज़ इट वर्थ इट कि आप सिक्योरिटी में आना चाहेंगे या फिर इतनी सारी मेहनत करना अगर आप स्विच कर रहे हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आना चाह रहे हैं तो इज़ इट वर्थ इट। इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट गाइस, बहुत मैंने आपको बताया इस फील्ड में काफ़ी डिमांड है, लोग कम होते हैं, जॉब ज़्यादा होती हैं, पर मेहनत है थोड़ी सी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मेहनत भी है और सैलरी भी है। ऐसा नहीं कि इट्स नॉट अ लो पेइंग जॉब गाइस, इट्स सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आप यू नो यू आर एक्चुअली वर्किंग टू सिक्योर योर कंपनी, तो विच इज़ अ ग्रेट डील। तो बहुत तरह की सिक्योरिटी होती हैं, AppSec की बात करी मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करी, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करी, रिस्क मैनेजमेंट होता है और ऑडिट्स होते हैं, आप ऑडिट्स में जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और PCI ऑडिट्स होते हैं जैसे पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के, अगर आप यू नो वो लेते हैं अगर कंपनी में, तो बहुत तरह की सिक्योरिटी में होती हैं। बस आपको जो चैलेंजेस जो मैंने फेस करे थे मेरी जर्नी में, ये सारी जर्नी में छः साल में नहीं, शुरू के एक साल में या दो साल में, वो थे कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल था। मैंने बुक्स से पढ़ाई कर ली, मैंने इंटरनेट से वीडियोस देख देख के कोर्सेज ले लिए बहुत सारे, नॉलेज मेरे को बहुत अच्छी हो गई थी। फर्स्ट राउंड तो मैं कहीं पर भी क्लियर कर लेता था, किसी भी कंपनी का, अमेजोन हो, एप्पल हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने फेसबुक में, पता नहीं टिंडर में और यूनिवर्सल और बड़ी बड़ी कंपनी में मैंने फर्स्ट राउंड तो मैं बहुत ईजिली क्लियर कर लेता था। बट जो मेरे को चैलेंज आता था वो होता था कि उनका जब एक्चुअल में ऑनसाइट इंटरव्यू आता था, जब वो मुझे ड्रिल करते थे कि भाई तूने एक्चुअल में कितना काम किया है, तब मैं मार खा जाता था क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने काम किया ही नहीं था, मैं तो जीरो से शुरू कर रहा था, अपना चेंज कर रहा था प्रोफाइल, राइट। पर एक कंपनी ने मुझे ब्रेक दिया, दे वर विलिंग टू ट्रेन मी, उन्हें पता था कि इस बंदे को नॉलेज अच्छी है, इसको हल्का सा अगर एक्सपीरियंस दे देंगे तो यू नो ही विल बी गुड। मैंने थोड़ा सा लो पे से शुरू किया क्योंकि मैं कंपनी में एंटर करना चाहता था, थोड़ा हैंड्स ऑन सीखना चाहता था, दैट वाज अ गुड ब्रेक थ्रू जो मुझे मिला। उस कंपनी में मैंने 3-3.5 साल काम किया, मैंने उस कंपनी में गाइस, मैं छोटी कंपनी थी एंड आई वॉज ओनली सिक्योरिटी पर्सन, बहुत ज़्यादा काम था मेरे अकेले के ऊपर, तो मैंने वो सारा काम खुद से किया। तो खुद से जो आपने मेहनत करके सीखा ना, वो अंदर बसा हुआ है मेरे यहाँ पर इस समय। तो जो एक्चुअल में मेहनत वाला काम था, मीन जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन था, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और उस कंपनी के थ्रू मुझे बहुत सीखने को मिला। तो अब जाके मैं एक अच्छी बड़ी कंपनी में मैं एक सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर हूँ और अब जाके थोड़ा सा यू नो लोड थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ते हैं लाइफ में तो यू नो थोड़ा सा प्रेशर भी, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन थोड़े से कम हो जाता है। तो बस अभी यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि अगर आपको इन सब पहले सर्टिफिकेशन बुक्स पढ़ना शुरू करें, इंटरनेट पे कोर्सेज लें और यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर कभी गिव अप ना करें। अगर आपको रियल में इस लाइन में आना है,
चाहे इंडिया में चाहे यूएस में, आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसोर्सेज आपको सब मिल जाएंगे। आप CompTIA सिक्योरिटी प्लस गूगल पर डालें, मिल जाएगा। फिर आप CEH डालेंगे, बहुत फेमस है, मिल जाएगा आपको। फिर आप CISP के बारे में तो पूरा वर्ल्ड जानता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, और लकीली आपको एक हैंड्स ऑन वाला ब्रेक मिल जाएगा किसी ना किसी कंपनी में, देन यू विल बी ऑल सेट। गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। ऑलराइट गाइस, बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।